गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो इन विच वी विल बी सॉल्विंग द डेट शीट ऑफ डेट 28 जुलाई। जी हाँ, 28 जुलाई 2020 की सोशल साइंस की और इंग्लिश की जो वर्कशीट है आपकी, इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है वो है फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट्स। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया में इस टाइम पे दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिनके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो है आप, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो दो लेवल हो गए, एक सेंट्रल लेवल यानी कंट्री वाला लेवल, और एक स्टेट लेवल जो सिर्फ स्टेट के मैटर्स को अफेक्ट डील करेगा। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसे काम की लिस्ट बनी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कामों को करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इन कामों को करेगी। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं। तो ऐसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है काम की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और एक मिक्स लिस्ट होती है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। उसमें वो काम आते हैं जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही काम करते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट के 6 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पहला है टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टू लेवल्स कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आज ही की डेट की जो क्लास 9th की वर्कशीट है उसको देख लीजिए, उसके अंदर हमने डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करा है। तीसरा है डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस फॉर गवर्निंग ओवर द सेम सिटीजन्स। यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर जो गवर्निंग है वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस की है। फिर होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो इंडिपेंडेंट है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरली। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी पूरा एक प्रोसेस है जिसमें सारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होंगी और तब वो चेंज आएगा। और लास्ट पॉइंट जो 6th पॉइंट है वो है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें सभी का ध्यान रखा जाता है, एक कॉमन मैन से लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन तक, सब लोगों का इक्वल ध्यान रखा जाता है। उस तरीके की गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ इज फेडरलिज्म अ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि फेडरलिज्म से डिवीजन ऑफ पावर कैसे आता है? तो आंसर आपके सामने है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी इन वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। Usually a federation has two levels of government. One is the government of the entire country. The other are government at the level of provinces or states. Both these levels of government enjoy their power independent to the other. तो ये आपका हो गया आज का first question. Second question है, do we have federal government in our country? Explain. तो जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया कि हमारी country में जो government है वो federal government है। तो लिखा है India a federal country because of the following reasons. There are levels of government, central government, state government and local government. The Indian constitution contains three lists which contain subjects in which the union and the state government may form laws. तो मैंने आपको बताया था कि एक central government की list होती है, एक state government की list होती है, concurrent list होती है जिसमें दोनों काम करते हैं। Third point, यानी कि third question, there are different forms of federal government. Why? कि फेडरल गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स क्यों होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम्स। द फर्स्ट ड्यूअल फेडरेशन
holds that the union and the state are equal. Under this view of federalism, the union government only has the power explicitly granted to it, while the state retains all the power. The second view, cooperative federalism, states that the federal government is definitely superior to the state government and the federal government should stretch its powers as far as possible. तो दो तरीके की है, एक वो जिसमें हम काम डिवाइड कर देते हैं कि ये सेंट्रल का काम है, ये स्टेट का काम है, वो अपने अपने काम करते हैं. दूसरा, जिसमें सेंट्रल जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और वो स्टेट को गवर्न करती है, उसको डायरेक्टिव देती है कि उसको किस तरीके से काम करना है. ये फर्स्ट थ्री आंसर्स हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, हाउ डज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेल्प पीपल लिव अ क्वालिटी लाइफ, गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन. यानी कि फेडरल सिस्टम एक क्वालिटी लाइफ जीने में कैसे हेल्प करता है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड्स द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मेनी इंपॉर्टेंट अफेयर्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सिटीजन्स, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट दे प्लान एंड पे फॉर द मोस्ट रोड्स, रन स्कूल्स, प्रोवाइड वाटर, ऑर्गेनाइज पुलिस, फायर सर्विसेज, एस्टेब्लिश जोनिंग रेगुलेशंस, लाइसेंस प्रोफेशंस एट्सेट्रा. यानी कि जैसे आप दिल्ली में भी देखेंगे तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल दिल्ली सरकार का है, पर बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है. तो इसीलिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो ज़्यादा बेटर है बहुत सारी कंट्रीज से, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. तो बच्चों, ये आपकी आज की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट थी. अब आज की अगली वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप स्क्रीन पॉज करके अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे आंसर, तो अब आगे बढ़ते हैं. दूसरी जो वर्कशीट आपकी आज की है वो है इंग्लिश की वर्कशीट, और इंग्लिश की वर्कशीट में सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे अपना नाम और अपने टीचर का नाम. अब आज की जो वर्कशीट है वो भी मेरे हिसाब से रिटन कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही है. क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, राइट अप अबाउट रेजिलेंस, फिल अप द ब्लैंक्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि आपको रेजिलेंस के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, आपको उसको पढ़ना है और फिर आंसर करने है. तो पढ़ लेते हैं पहले. रेजिलेंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ. डिक्शनरी डेफिनेशंस इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी, बॉयंसी लाइक बिल्डिंग अ मसल, इंक्रीजिंग योर रेजिलेंस टेक्स टाइम एंड इंटेंशनैलिटी. फोकस ऑन फोर कोर कॉम्पोनेंट्स, कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग, एंड मीनिंग कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम डिफिकल्ट एंड ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसिस. टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलेंस वी मे यूज दीज स्ट्रैटेजीज. यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी. सेल्फ इस्टीम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विथ एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. अनदर स्टेप इज टू फॉस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. दिस मे बी डन बाई रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज, जर्नल्स एट्सेट्रा. वन मे ऑल्सो फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज. राइटिंग डायरीज, जर्नल्स मे ऑल्सो फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, लाइक वॉलंटियरिंग विद अ लोकल होमलेस शेल्टर और सिंपली सपोर्ट टू अ फ्रेंड इन देयर ओन टाइम ऑफ नीड. वन मे ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हेल्प्स वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक. फाइनली सीक हेल्प व्हेन यू नीड, इट्स अ क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलेंस. यानी कि रेजिलेंस क्या होती है, रेजिलेंस कैसे बनती है, रेजिलेंस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस पैराग्राफ में देखी. ये पैराग्राफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक आर्टिकल से लिया गया है. तो हम अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिलेंस. आंसर आपके सामने दिख गया. रेजिलेंस इज अ पर्सन्स कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ लाइफ. यानी कि जो हमारे आसपास जो प्रेशर, जो स्ट्रेस हमको आता है और जो लाइफ हमसे डिमांड करती है,
उसको जो हम उसके लिए जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो रेजिलेंस है, यानी कि खुद को अडेप्ट करने की एबिलिटी। आप कितना खुद को वो बदल पाते हैं, जैसे अभी हमारे आसपास कोरोना फैला हुआ है, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस सिचुएशन में हमने खुद को कितना बदला, उसे कहते हैं रेजिलेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस। तो डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको दिखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है, फोकसिंग ऑन दीज फोर कॉम्पोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलेंस, डैश 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 एंड डैश। यानी यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो चार आपके कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम रेजिलेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो चार चीज़ें हैं, कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। तो ये चार चीज़ें हैं जिनसे हम रेजिलेंस बिल्ड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होते हैं, तो आंसर है, यू मे बिल्ड योर रिलेशंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। फैमिली को, अपने फेथ को और सोसाइटी को, इनको सर्व करो और अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करो। चार क्वेश्चन हमने कर लिए, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फाइंड टू स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड रेजिलेंस एज मेंशनड इन द पैसेज। तो पैसेज में क्या मेंशन किया था उसने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, वन में फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। इससे ऊपर लास्ट लाइन में देखिए, दिस में बी डन बाय रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज, जर्नल्स। वन में ऑल्सो फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। तो यही हमने आंसर लिख दिया कि टू स्ट्रेटजीज। फिफ्थ आंसर देखिए, फर्स्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज एंड सेकेंड इज अनदर स्टेप इज फॉस्टर वेलनेस बाई टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। दिस में बी डन बाई रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज, जर्नल्स। तो ये तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना रेजिलेंस बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ है, हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वट डिड यू डू टू हेल्प योर सेल्फ। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, इसका आंसर लिखेंगे आप अपने आप कि अगर आप कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया। छोटा सा आंसर है, आप लिख सकते हैं अपने आप। हम आपसे मिलेंगे कल फिर दोबारा एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।